एवं विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय चक्रारभक्ति इव गच्छति भाग्यवन्ति। काल के चक्र के साथ समय में परिवर्तन होता है, जगत में परिवर्तन होता है। इस प्रकार चक्र के पर्व जो है घूमते रहते हैं, उसी तरह भाग्य की भी उत्पत्ति होती रहती है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुमे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभम करो तु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योतिर्नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योतिर्नमोस्तुते। Yeah.
आज विश्वविद्यालय की स्थापना के 10 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित दशकोत्सव के पावन अवसर पर सर्वप्रथम मंचस्थ हमारे मुख्य अतिथि माननीय सभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी का सहृदय स्वागत करता हूँ। सारे स्टैट्यूट्स, सारे ऑर्डिनेंसेस बनाए गए, इसके लिए मैं प्रोफेसर मनोज कुमार का और प्रोफेसर मेधेकर का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास कोई भी स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं थे, सब पर टीचर्स काम कर रहे थे, एकेडमिक्स की भी बात में बाधा हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। मैंने यह तय किया कि पहले टीचर्स की बहाली हो, नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली हो, उसमें मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है और आज यह जो टीम खड़ी है, जो डेडिकेटेड रूप से यह कार्य कर रही है, उस टीम को भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने आज यह स्वर्णिम अवसर पैदा किया है, जो हर चीज पर दौड़ रहा है, हर चीज पर काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। अगर वो साथ देंगे तो उनका साथ लेकर के, और जो विरोध करेंगे तो उनको कुचल करके भी हमें स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। सारी बाधाओं से कुचल करके भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जब जब मस्तिष्क जयी होगा, संसार ज्ञान से चलता है, शीतलता की राह रहे, तू यह संवाद सुनाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। मैं एक बार फिर अपनी क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही भावना हो गई थी, लेकिन मैं एक बार फिर सारे लोगों से आह्वान करती हूँ कि अपने सकारात्मक सोच के साथ, अपने विचारों, अपने हृदय से निकलने वाले अच्छे विचारों के साथ सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएं और मदद करें, और इस विश्वविद्यालय जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहा है, राष्ट्र जो भारत के मानचित्र पर इसका एक अच्छा स्थान बनाएं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए अग्रसर हुए। एक बार फिर मैं तमाम मैं आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, कमिंग टुगेदर इज द बिगनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, बट वर्किंग टुगेदर इज द सक्सेस। ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नंद कुमार यादव हिंदू, आर चीफ गेस्ट श्री हरिवंश जी, आर गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर पी एस मान एंड प्रोफेसर के नाग, वी आर रिलीजिंग आर एनुअल मैगजीन, टू कॉफी टेबल बुक्स एंड अ सोमिनेर ऑन दिस ओकेजन। ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर एडिटोरियल बोर्ड, आई वुड लाइक टू थैंक आर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर नंद कुमार यादव, हु एग्जिबिटेड हिज confidence and faith in us and assign such important responsibility. अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सत्समीवम अर्थ्यः पच्यते सत्समीवा जायते पुनः। पूर्वजों ने जैसा आचरण किया, वर्तमान को श्रेष्ठ लोगों ने जैसे जिया, वैसे ही यथावत आचरण करें हम, क्योंकि मरणशील मनुष्य अन्न की तरह पकता है और पुनः उत्पन्न होता है। इस यशस्वी विश्वविद्यालय में कहूं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा है और काफी आगे बढ़ा है, उसके छात्र और छात्राएं, सबसे पहले इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के कुलपति जी से लेकर हर छात्र, पूरी टीम के हर सदस्य को
बधाई देना चाहूंगा। 10 वर्षों की आपकी यात्रा की जो तस्वीर हम सब ने देखी वो बहुत उम्मीद बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। खेल, कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, अध्ययन, अध्यापन, सबने आपने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। बड़े उद्यमियों के घर पैदा हो गए, पैसे वालों के घर पैदा हो गए, जमींदारों के घर पैदा हो गए, उन्हीं की जिंदगी बेहतर हो सकती है, उन्हें ही आजीवन जो एक हमारे यहां सुख और खुशी की परिभाषा वही वो पा सकते हैं, वही उसके हकदार हैं। पर पिछले 30-40 वर्षों की दुनिया ने यह साबित किया है कि नहीं, जिनके पास ज्ञान है वही दुनिया पर अब राज करेंगे, जिनके पास शिक्षा है वही दुनिया को बदलेंगे। मैं भी करूंगा कादर खान का। आप दूसरी लाइन आप पूरी करेंगे। हम जहां खड़े होते हैं लकीर वहीं से शुरू होती है। बोलिए, हम जहां खड़े होते हैं लकीर वहीं से शुरू होती है। तो वाइस चांसलर साहब खड़े हैं ना, तो लकीर वहीं से शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात करना चाहिए। मैंने कहा जी मैं तो पहले ही हूं, तो यहां पे किसी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्वरूप जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड राइट प्रॉब्लम भी है और नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरिया है, तो इसका कोई बात नहीं। नाग साहब मेरे साथ थे, इसका एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। हम इस यूनिवर्सिटी में आए, हम हरिवंशी फैकल्टी को मिले, आपको कैसा वाइस चांसलर चाहिए, हम स्टूडेंट से मिले, यहाँ धरने लगे हुए थे, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने धरने लगाए हुए थे, हम सभी से मिले, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से मिले। हमने कहा आपका सभी समाधान होगा, हम फीडबैक लेते जा रहे हैं, नया कैंपस भी देखकर जा रहे हैं, हम उन घरों में चाय भी पीकर आए जो घर को जमीनों जमीने दबाए बैठे हैं, उनके घर चाय पीकर आए और उनको बताया कि देखिए आपके बच्चे इस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, अगर आप हमें शिफ्ट नहीं होने देंगे तो हम केंद्रीय विद्यालय शुरू नहीं करेंगे। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो तो जुड़ेगी हमारे ट्राइबल कल्चर से, इससे जुड़ेगी और बहुत सी यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, और ये स्टैनफोर्ड बर्कले और ये हार्वर्ड जो है ये भी चले आ गया है। आपको पता है पिछले साल से इन्होंने अपने सारे कोर्सेज ऑनलाइन कर दिए हैं और इनके सारे लेक्चर ऑनलाइन आ गए। आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं लेबोरेटरी बनाना चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने उनको बैंक चेक दिया। माननीय सभापति जी सोच लीजिए, ब्लैंक चेक दिया कि इसमें जितना चाहो भर लो, लेकिन तुम करो रिसर्च। एक ये घटना, दूसरी घटना, दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था मैं, लैब थे अलग अलग प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर के लैब में दूसरा को घुसने के लिए मनाही पैसा था, आपस में ही यहाँ बड़ा खींचतान होते रहता था। दिल्ली विश्वविद्यालय 1960s की बात कर रहा हूँ। मैं गया इंग्लैंड, पोस्ट डॉक्टर फेलो होकर कॉमनवेल्थ स्कॉलर बनकर,
रात में मुझे 1-2 बजे भी काम करना होता था। मैं अपनी पत्नी के साथ था और मैंने प्रोफेसर दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को कहा कि मैं यह दिखती हूँ दिस रूम दिस लेबोरेटरी। उन्होंने कहा कि थोड़ा आश्चर्य की तरह से मेरी ओर देखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नाग द लैब रिमेन ओपन हियर 24 आवर 365 डेज, इसी की कोई चाबी की जरूरत नहीं है, जब आप चाहें आए जब चाहें चले। Thank you.
Thank you.